अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं तंज़ो मज़ा से भरपूर प्रोग्राम, क्योंकि जम्हूरियत है। आज के शो में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। आपने हम गरीबों को ये महल देकर हमारी जिंदगी की हसरत ही पूरी कर दी है। वो तो ठीक है, लेकिन अब आपके पास सिर्फ 10 दिन रह गए हैं और इसके बाद आपको जाना पड़ेगा। हमने दूसरे पेशेंट की बुकिंग कर ली है। कोई बात नहीं, वो 10 दिन भी बहुत होते हैं, अब बाद में सारी जिंदगी सुकून को याद करके गुजार लेंगे। ओ भाई, अपना सेहत कार्ड तो देना, आपका बिल भी तो बनाना है। इलाज तो करवाया नहीं, लेकिन इस कमरे का किराया और खाने पीने का खर्चा तो अस्पताल ने हुकूमत से वसूल करना है। 10 लाख रुपए का कार्ड है, इससे आप अपने पैसे काट के बकाया मुझे कैश दे दें। भजन, एक मिनट हमारी बात सुनो। ओ साई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बेहतरीन वजीराला करार दिया। और जाए बुजार साहब, किस बेवकूफ आदमी ने आपको बेहतरीन वजीर आला करार दे दिया? आप खुद सोचो, आपकी कारकर्दगी है बेहतरीन वजीर आला वाली है? पंजाब का ना सत्यानाश करके रख दिया जनाब आपने। ओ साईं, ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये अखबार में खबर आई है कि आपने मुझे बेहतरीन वजीर आला करार दिया है। ओ सेक्रेटरी, दिखा खबर इनको। जी जी, ये देखें। ले जाओ सर्वे, सर्वे रहने ने सर्वे। मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, उससे आपको इत्मीनान नहीं हो रहा है? और मेरी जनाब 7 नस्लें आने वाली, वो भी आपको कभी बेहतरीन वजीर आला करार नहीं दे सकती। जाए आगे बेहतरीन वजीर आला। ओए क्या हो गया? ओए खटक, तुमने तो कहा था कि हमारे बहुत सारे लोग अपोजिशन से मिल गए हैं और मिनी बजट मुस्तरद हो जाएगा, तो ये मिनी बजट पास कैसे हो गया? मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही खान साहब, हमारे बहुत से बोर्ड तो अपोजिशन ने तोड़ लिए थे, ये बजट पास कैसे हो गया? खान साहब, मुझे तो लगता है मिनी बजट के मुखालफत में जो 150 वोट आए हैं वो हमारे ही लोगों के थे, और अपोजिशन के 168 लोगों ने हक में वोट डालकर मिनी बजट पास करा दिया। मरियम नवाज की बातों पर अब तो उनके बच्चे भी हंसते हैं। फवाद चौधरी साहब के इस बयान पर मुबशिर हुसैन अपने कमेंट में लिखते हैं, मैं भी बहुत हंसता हूँ जब आपके वादे याद आते हैं। वाकई पीटीआई की तकरीरों में किए गए वादे आज सुनो तो लतीफे ही लगते हैं। शाहिद इकबाल अपने कमेंट में लिखते हैं, और आपकी बातों पर पूरा मुल्क हंसता है। वाकई फवाद चौधरी की बातें बहुत ही फनी होती हैं। मैं कर्जा का स्लिप ले लूं और रखे अपने पास, वो एक मर्तबा कर्ज लेकर और मरते दम तक वो किससे ही बढ़ता रहूंगा। और तुम लोगों ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी, मुझे 50,000 रुपए वाली नौकरी मिल गई, अब खुद मैं पैसा जोड़कर अपना मकान बनाऊंगा। बात करते हैं। मेरी प्यारी आवाम, जरा रुकना। अब क्या है? हाँ साहब, वो जरा 10,000 रुपए कर्जा तो देना, बिजली का बिल आया है और जाफर तरीन ने भी अभी तक पैसे नहीं भिजवाए। किसको पता था कंटेनर पे खड़ा यू टर्न का आदि भी होगा, हम तो हमेशा समझते थे कोई ईमानदार। कोई तो टोके इस आवाम ने बहुत खाली ये धोखे, डर लगता है अब तब्दीली से जी, सब कुछ अच्छा है जी फिर भी अच्छा है जी, कहते हैं अच्छा है जी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि 2023 से पहले महंगाई के जिनको बोतल में बंद कर देंगे, लेकिन हमारे ख्याल में पूरी दुनिया में इतनी बड़ी बोतल नहीं मिल सकेगी जिसमें महंगाई के जिनको बंद किया जा सके। मुल्क भर में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दूसरी बीमारियों की अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया।
इसीलिए ब्लड प्रेशर के मरीजों से रिक्वेस्ट है कि वो ब्लड प्रेशर की दवाई खरीदते हुए पत्ते की कीमत पर ना देखें, वरना गोली खाकर भी ब्लड प्रेशर में कोई कमी नहीं आएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान में $1,00,000 की सरमायाकारी करने पर गैर मुल्कियों को पाकिस्तान की शहरियत देने का फैसला किया है, जबकि पाकिस्तान से वापसी पर हुकूमत उन्हें एक पानी की बोतल और एक पाव चने मुफ्त देगी। तो आइए देखते हैं आज का पहला सेगमेंट। वाह बेगम, ओ मजा ही आ गया। ओ जिंदगी क्या होती है, इसका तो मुझे अब एहसास हुआ है। वाकई मैंने 10 साल से गुर्बत देख देख कर ना मेरी तो खूबसूरती भी खत्म हो गई। ओ बुलाओ खान साहब का, ओ हम गरीबों को भी सुन ली है, और ना बगैर मेकअप के तुम्हें देख देख कर जो वक्त मैंने गुजारा ये मैं ही जानता हूँ। क्या यहाँ का वॉशरूम देखा, कितना बड़ा है। ओ बेगम, इस कमरे में तो एसी भी गर्म हवा देता है, वरना जितनी ठंड पड़ रही है ना, मैं रोज नाक में गर्म पानी डालकर ना नाक से बर्फ निकालता था। शुक्र है हमने अपनी जिंदगी में इतनी खुशहाली देख ली, वरना तुम तो शलजम खिलाकर कहते थे आड़ू समझकर खा लो। यहाँ तो 3 वक्त का खाना, कभी कोरमा, कभी मसाला मटन और कभी तली हुई मछली। यहाँ आकर मैं जिंदगी में पहली बार सूप पिया है। हमारा बच्चा देखो बाहर कितने मजे से चॉकलेट खा रहा है, वरना हम तो उसे गचक ही खिलाते थे। और कमरा देखो कितना सोना है, हमारे कमरे की तो छत से सिमट ही गिरता था हर वक्त। मुझे लगता है जब मेरा ऑपरेशन हुआ ना, तो दीवार पर जितना प्लास्टर लगा है इतना सिमट निकलेगा मेरे पेट से। और हाँ, तुम्हारा ऑपरेशन भी तो करवाना है ना, जब कमरे की दीवार बनवानी है तो। अच्छा चलो छोड़ो पुरानी बातें, ये लो सेब खाओ। बड़े सालों के बाद और सेब खाना नसीब हुआ है, वरना अब तो गाजर भी 10 रुपए की एक मिलती है। हाँ भाई जवान, एंजॉय हो रहा है। ये सब आपकी मेहरबानी है डॉक्टर साहब, और जिंदगी में पहली बार अब बगैर काम किए इतनी याशी कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब आपके बच्चे जिए, आपने हम गरीबों को ये महल देकर हमारी जिंदगी की हसरत ही पूरी कर दी है। वो तो ठीक है, लेकिन अब आपके पास सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, और इसके बाद आपको जाना पड़ेगा। हमने दूसरे पेशेंट की बुकिंग कर ली है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो 10 दिन भी बहुत होते हैं, अब बाद में सारी जिंदगी इस सुकून को याद करके गुजार लेंगे। ओ भाई अपना सेहत कार्ड तो देना, आपका बिल भी तो बनाना है। इलाज तो करवाया नहीं, लेकिन इस कमरे का किराया और खाने पीने का खर्चा तो अस्पताल ने हुकूमत से वसूल करना है। 10 लाख रुपए का कार्ड है, इससे आप अपने पैसे काट के बकाया मुझे कैश दे दे। शुक्र है हम में से किसी को कोई बीमारी नहीं है, अगर आप हमें मरीज बनाकर अस्पताल का दाखिला ना देते तो हमारे ये 10 लाख का कार्ड किसी काम नहीं आना था। ओ फिक्र ना करें, ये अस्पताल बनाया ही आप जैसे लोगों की मदद के लिए है, वरना इस डॉक्टर को तो टीका लगाना भी नहीं आता। और तुम भी तो ब्लड प्रेशर चेक करते करते मरीज का बाजू ही मरोड़ देती हो। कोई बात नहीं, जैसे मरीज वैसे डॉक्टर। कुल मिलाकर आपका बिल बनाया 8,45,000, इसमें कमरे, खाना पीना, बिस्कुट चॉकलेट्स वगैरह, ये टोटल खर्चा हुआ 8,45,000 रुपए, और बकाया रकम आपकी 1,55,000 रुपए कैश। वो आप अस्पताल छोड़ते वक्त काउंटर से ले जाना। आप सब लोग खुश रहें जी, आप न होते तो मैं गरीब आदमी कहाँ इतनी अय्याशी अफोर्ड कर सकता था। क्यों बेगम? जी जी बिल्कुल। मुल्क में सदारती इंतखाबात को लेके एक बहस छिड़ गई है कि मुल्क में सदर होना चाहिए या फिर वजीर आजम। यानी खान साहब आप वजीर आजम से सीधा बादशाह सलामत बनना चाहते हैं। अभी तो हमारी आवाम का स्टेटस भी अपग्रेड होकर रियाया का हो जाएगा, जिनके पेट में रोटी हो ना हो लेकिन जबान पे बादशाह सलामत होगा। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा है कि सिंध की गैस की आधी सप्लाई तो पाइपलाइन में डालने के काबिल ही नहीं होती। क्यों? अरे भाई सिंध की गैस क्या जहरीली होती है या उसमें मिर्चें ज्यादा होती हैं जो पाइपलाइन में डालते ही
पाइपलाइन का मैदा खराब हो जाता है। आइए देखते हैं एक सेगमेंट। यार सेक्रेटरी जी बुजार साहब, यार देख ये मैंने सेब सही बनाया है। बुजार साहब सेब तो ठीक है लेकिन थोड़ा सस्ता वाला लग रहा है। अच्छा यार मैं अगले सफ़े पे ना ज़रा ये महंगे वाला सेब बनाता हूँ। जी सर। बुजार साहब, बुजार साहब सर ये खबर देखी है आपने? कौन सी खबर? सर एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 45% लोगों ने आला कारकर्दगी की बुनियाद पर आपको पंजाब का बेहतरीन वजीर आला करार दिया है। ओ यार मजाक ना कर, मजाक का मेरा मूड नहीं है। सर मैं सच कह रहा हूँ, आपको यकीन नहीं आता तो ये खबर देख लें। यार वाकई? जी सर। ओ यार पंजाब के लोगों ने मुझे बेहतरीन वजीर आला करार दिया है, वो इस बात पे पंजाब के लोगों का शुक्रिया अदा करना तो बनता है। जी सर। चलो उनका शुक्रिया अदा करके आए। जरूर सर, आए सर। मैं बाद में बात करता हूँ। ओ साईं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात के लिए? ओ साईं आपने मुझे बेहतरीन वजीर आला जो करार दिया है। अब बुजार साहब ये जोक एक मर्तबा फिर सुना है, मैंने और हंसना है। ओ साईं आपने मुझे बेहतरीन वजीर आला करार दिया है। भजन एक मिनट हमारी बात सुनो। ओ साईं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बेहतरीन वजीर आला करार दिया है। और जाएं बुजार साहब, किस बेवकूफ आदमी ने आपको बेहतरीन वजीर आला करार दे दिया? आप खुद सोचो, आपकी कारकर्दगी है बेहतरीन वजीर आला वाली है? पंजाब का ना सत्यानाश करके रख दिया जनाब आपने। ओ साईं ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये अखबार में खबर आई है कि आपने मुझे बेहतरीन वजीर आला करार दिया है। ओ सेक्रेटरी दिखा खबर इनको। जी जी ये देखें। ले जो सर्वे, सर्वे रहने ने सर्वे। मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ उससे आपको इत्मीनान नहीं हो रहा है? और मेरी जनाब 7 नस्लें आने वाली, वो भी आपको कभी बेहतरीन वजीर आला करार नहीं दे सकती। जाए आगे बेहतरीन वजीर आला। ले बुजार साहब एक और आदमी आ गया, अब इससे भी मिलते हैं। ओ साईं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बेहतरीन वजीर आला करार दिया है। जी इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आप हैं ही बेहतरीन, आप जैसा वजीर आला तो दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ। शुक्रिया शुक्रिया। ओ जनाब आपने जितनी तरक्की पंजाब में कर दी है ना, वो शहबाज शरीफ अगले 50 सालों में नहीं कर सकता था। मैं कहता हूँ कि आप जैसा मेहनती वजीर आला हो तो पंजाब चंद सालों में न्यूयॉर्क बन जाएगा। न्यूयॉर्क आप जैसा कोई नहीं है। यू आर बेस्ट, यू आर द स्पाइडरमैन ऑफ पंजाब। वजीर आला साहब ये पागल है, अब ये भी पागल खाने से भागा है। हेलो एक्सक्यूज मी सर, आई एम नॉट अ पागल, आई एम मेंटल। माजर चाहूंगा। बुज़दार साहब ये बंदा तो पागल निकला सर। ओ यार सेक्रेटरी जिस तरह ये मेरी तारीफें कर रहा था ना, मुझे भी शक पड़ गया था ये बंदा पागल है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ओए क्या हो गया? ओए खटक, तुमने तो कहा था कि हमारे बहुत सारे लोग अपोजिशन से मिल गए हैं और मिनी बजट मुस्तर्द हो जाएगा, तो ये मिनी बजट पास कैसे हो गया? मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही खान साहब, हमारे बहुत से बोर्ड तो अपोजिशन ने तोड़ लिए थे, ये बजट पास कैसे हो गया? खान साहब मुझे तो लगता है मिनी बजट के मुखालफत में जो 150 वोट आए हैं वो हमारे ही लोगों के थे, और अपोजिशन के 168 लोगों ने हक में वोट डालकर मिनी बजट पास करा दिया। मरियम नवाज की बातों पर अब तो उनके बच्चे भी हंसते हैं। फवाद चौधरी साहब के इस बयान पर मुबशिर हुसैन अपने कमेंट में लिखते हैं, मैं भी बहुत हंसता हूँ जब आपके वादे याद आते हैं। वाकई
पीटीआई की तकरीरों में किए गए वादे आज सुनो तो लतीफे ही लगते हैं। शाहिद इकबाल अपने कमेंट में लिखते हैं, और आपकी बातों पर पूरा मुल्क हंसता है। वाकई फवाद चौधरी की बातें बहुत ही फनी होती हैं। मैं कर्जा का स्लिप ले लूं और रखे अपने पास, वो एक मर्तबा कर्ज लेकर वो मरते दम तक वो किससे ही भरता रहूंगा। और तुम लोगों ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी, मुझे 50,000 रुपए वाली नौकरी मिल गई। अब खुद मैं पैसा पैसा जोड़ कर अपना मकान बनाऊंगा। बात करते हैं मेरी प्यारी आवाम, जरा रुकना। अब क्या है? हाँ साहब, वो जरा 10,000 रुपए कर्जा तो देना, बिजली का बिल आया है और जाफर तरीन ने भी अभी तक पैसे नहीं भिजवाए। हरीम शाह ने वजीर आजम के मुशीर एहतसाब को मशवरा दिया है कि वो उन पर वक्त जाया करने की बजाय नवाज शरीफ के केस पर तवज्जो दें। अब बात भी ठीक है, अगर सियासतदान एक औरत पर तवज्जो देने की बजाय पूरी अवाम पर तवज्जो दें तो मुल्क भी बेहतर होगा। ऐसे इकबाल ने कहा है कि हकूमती वुजरा कहते हैं कि आटा इसलिए नहीं मिल रहा कि अवाम दो की बजाय 4 रोटियां खाते हैं, खाद इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि जमींदार ज्यादा खाद इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब तो यह है कि हमें लंबे लंबे सांस भी नहीं लेने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल में सांस लेने के लिए हमें हवा भी ना मिले। आइए देखते हैं एक मजेदार सा सेगमेंट। 73 के आईन की कसम, हम इस हुकूमत का कोई भी बिल पास नहीं होने देंगे। हजरत मौलाना साहिब ने कभी बिरयानी का बिल नहीं दिया तो ये हुकूमत का बिल कैसे पेश होने देंगे? मौलाना साहब आप फिक्र ना करें, इस बार हम ऐसी चाल चलेंगे हुकूमत बिल पेश करते ही बिलबिला उठेगी। हजरत भाषण इकबाल साहब, 73 के आईन के तनाजुर में अगर ये हुकूमत मिनी बजट का बिल पास ना करवा सकी तो ये हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। और गिरी हुई हुकूमत को मौलाना साहिब उठा कर साफ करेंगे और जेब में डालेंगे। क्यों मौलाना साहिब? मौलाना साहब, जो हालत इस वक्त मईशत की है, इस हालत में हुकूमत हाथ में लेना दरख्त को टकरे मारने के मुतरादिफ है। मौलाना जी साहब, ये तो तरीके इंसाफ के एमएलए हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हजरत मौलाना साहिब, ये वो लोग हैं जो एक से दूसरी पार्टी में आते जाते रहते हैं। मौलाना साहब, हम वो मकनातीस हैं जिसे चाहे अपनी तरफ खींच सकते हैं। हाँ साहब, अंदर की इतला है, हमारे कई लोग नून लीग वालों से ना जफियां डाल रहे थे। इसका सिर अभी खान साहब के सर जाता है। मेरा मतलब है, हमारे लोग नून लीग के साथ मिल गए तो हम मिनी बजट कैसे पास कराएंगे? और सरताजगुल, और मैं तो चाहता ही यही हूँ कि मिनी बजट पास ना हो। खटक साहब, अपने सब लोगों को समझा दो कि मिनी बजट की मुखालफत में वोट डालना है। फिर तो मिनी बजट दो तहाई अक्सरियत से मुस्तरद हो जाएगा। मेरा मतलब है खान साहब, फिर तो हमारी हुकूमत चली जाएगी। और सरताजगुल, और मेरी तो ख्वाहिश यही है कि कोई मेरे हाथ से हुकूमत ले ले। हाँ साहब, अब हुकूमत प्लेट में भी रख के ना
अपोजिशन को दी जाए तो वो नहीं लेंगे। इसका सर अभी खान साहब के सर जाते हैं। ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन, अब तो खान साहब खुद हुकूमत करने को तैयार नहीं है। ओए सबको समझा दो कि मेरी बजट की मुखालफत में वोट डालना है। ओए मेरी बजट पास हो गया तो मैं अब आपको वो दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। ठीक है खान साहब, आप जैसा कहते हैं ना वैसे ही होगा। हाँ जी, तो आप समझ गए कि आप लोगों ने क्या करना है। जी जी, हम बिल्कुल समझ गए। आप फिक्र न करें सर, हम सब वही करेंगे जैसा आपने कहा है। हजरत भाषण इकबाल साहब, आप कर क्या रहे हैं? कुछ हमें भी तो पता चले, ये बात बिल्कुल भी 73 के आइन के तनाजुर में नहीं है। हजरत मौलाना साहब, मैं समझाता हूँ, ये सज्जे दिखा कर खब्बी मारने वाली सियासत है। सबर मौलाना साहब सबर, ये सियासत की गुगली है, ये तो खान साहब को भी समझ नहीं आएगी। चले तरहान अब्बासी साहब, असेंबली में मिनी बजट की वोटिंग का वक्त शुरू होने वाला है। आए चले। ओए क्या हो गया? ओए खटक, तुमने तो कहा था कि हमारे बहुत सारे लोग अपोजिशन से मिल गए हैं और मिनी बजट मुस्तर्द हो जाएगा, तो ये मिनी बजट पास कैसे हो गया? मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही खान साहब, हमारे बहुत से वोट तो अपोजिशन ने तोड़ लिए थे, ये बजट पास कैसे हो गया? खान साहब, मुझे तो लगता है मिनी बजट के मुखालफत में जो 150 वोट आए हैं वो हमारे ही लोगों के थे, और अपोजिशन के 168 लोगों ने हक में वोट डालकर मिनी बजट पास करा दिया। यानी अपोजिशन के पास ईवान में अक्सरियत थी तो उसने वजीर आजम के खिलाफ अदम इतमाद की तरीक पेश क्यों नहीं की? ओए वो इसलिए कि अपोजिशन चाहती है कि मैं इलेक्शन 2023 तक अच्छी तरह बदनाम हो जाऊं और तब तक इतनी महंगाई हो जाए कि इलेक्शन 2023 में पीटीआई को पाकिस्तान में एक सीट भी ना मिले, और इसका सेहरा भी खान साहब के सर जाता है। क्यों खान साहब? पीटीआई के रुकन नूर आलम खान ने कहा है कि माजी के हुक्मरानों की तरह खान साहब के इर्द गिर्द भी माफियाज इकट्ठे हो गए हैं। वजीर आजम तो खुद वो मकनतीस होता है जो आसपास पड़े माफियाज को खींच लेता है। वैसे आम लोग भी मकनतीस से जुड़ जाए तो वो भी मकनतीस ही बन जाता है। इसीलिए तो वजीर आजम साहब के आसपास मौजूद हर बंदा अपने हलके में वजीर आजम होता है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं खान साहब को रात में एक डरावने ख्वाब की तरह आता हूँ। लगता है कि खादम आला की वजारत तो गई लेकिन लंबे बूट पहनकर चलने की आदत ना गई। अब अगर वो कहीं और नहीं जाते तो वही लंबे बूट्स पहनकर खान साहब के ख्वाबों में घूमने फिरने निकल जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम अगला सेगमेंट। नाज़रीन, सेगमेंट पोस्ट का तड़का के साथ मलाइका अली हाजिर है। आगे देखते हैं सोशल मीडिया पर सियासतदानों ने क्या क्या पोस्ट किया है और अवाम ने कैसे कैसे फनी कमेंट्स किए हैं। आगे चलते हैं आज की पहली पोस्ट की तरफ। पहली पोस्ट में वज़ीरे इत्तला'आत फवाद चौधरी साहब का बयान है जिसमें वो कहते हैं मरियम नवाज की बातों पर अब तो उनके बच्चे भी हंसते हैं। फवाद चौधरी साहब के इस बयान पर मुबशर हुसैन अपने कमेंट में लिखते हैं, मैं भी बहुत हंसता हूँ जब आपके वादे याद आते हैं। वाकई पीटीआई की तकरीरों में किए गए वादे आज सुनो तो लतीफे ही लगते हैं। शाहिद इकबाल अपने कमेंट में लिखते हैं, और आपकी बातों पर पूरा मुल्क हंसता है। वाकई फवाद चौधरी की बातें बहुत ही फनी होती हैं। जालिम तरीन लिखते हैं, आप जैसी मज़ेदार और सबक आमोज कहानियाँ कौन सुना सकता है? मसलन वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर का खर्चा पर किलोमीटर 50 रुपए है। वकास विक्की फवाद चौधरी के इस बयान पर पंजाबी में कमेंट करते हैं, जानी दा शो बंद करके तेरी तकरीर सुनी दिए, मकसद हंसना ही हुंदा है। लो जी फवाद साहब, ये तो साबित हो गया कि लोग आपके बयानात को
कॉमेडी शो के तौर पर देखते हैं। तो चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ। वजीर आजम के मुआवन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट किया है जिसमें वो लिखते हैं, इकोनॉमिस्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में कोविड के बाद मामूलात ज़िंदगी की बहाली की दर्जाबंदी ग्लोबल नॉर्मलेसी इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। इससे पहले यूएन और WHO जैसे बैनुल अक्वामी इदारे भी पाकिस्तान की कोरोना हैंडलिंग को ज़बरदस्त करार दे चुके हैं। दुनिया मौतरी फैट डेंगी की तरह खुद से तारीफ नहीं करनी पड़ती। शहबाज गिल की इस ट्वीट पर एक साहब ने अपने कमेंट में लिखते हैं, जितनी पाकिस्तानी कौम ढीठ हो चुकी है, कोरोना से पाकिस्तानियों को कुछ नहीं होना। जिनको तुम्हारी हुकूमत की पैदा करता गुर्बत और भूख नहीं मार सकी, कोरोना क्या मारेगा। वाह वाह, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। वैसे आपके कमेंट को भी शहबाज गिल अपनी तारीफ ही समझेंगे, फिक्र ना करें। शहबाज गिल की पोस्ट पर मोहम्मद फारूक साहब लिखते हैं, इकोनॉमिस्ट के मुताबिक महंगाई में पाकिस्तान का नंबर भी पहले तीन ममालिक में है, इसका क्रेडिट किसको देना है। मैं बताती हूँ इसका क्रेडिट हुकूमत 5 साल पहले वाली हुकूमत को देंगे। चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ जो कि है आबिद शेरली साहब की। आबिद शेरली साहब ने गहरे पीले रंग की जर्सी पहनकर ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है जिसके ऊपर उन्होंने लिखा है, #NewProfilePic न्यू प्रोफाइल पिक। वैसे हमारे प्रोग्राम की सेंसर पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए कई कमेंट्स हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन फिल्टर करके जो कमेंट्स हमारे पास बच गए हैं हम वो आपको शेयर कर सकते हैं। आबिद शेर अली साहब की इस तस्वीर पर एक शख्स अपने कमेंट में लिखते हैं, पहली बार इंसान लग रहे हो, अपने अमाल और अपनी ज़ुबान बेहतर करो, अल्लाह तुम्हें नेक हिदायत दे। वैसे पता नहीं इस बंदे ने आबिद शेर अली की तारीफ की है या जो तुसी समझ लो, समझते तुसी गए। फरा मुगल अपने कमेंट में लिखती हैं, अवाम का पैसा लूट मार कर कितने खुश हो। नाजरीन, इस वक्त हमारे सेगमेंट का वक्त ख़त्म होता है। मलाइका अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। अपना कर्जा का स्लिप ले लो और रखे अपने पास, वो एक मर्तबा कर्ज लेकर और मरते दम तक वो किससे ही बढ़ता रहूंगा। और तुम लोगों ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी, मुझे 50,000 रुपए वाली नौकरी मिल गई। अब खुद मैं पैसा पैसा जोड़कर अपना मकान बनाऊंगा। बात करते हैं मेरी प्यारी आवाम, जरा रुकना। अब क्या है हाँ साहब? वो जरा 10,000 रुपए कर्जा तो देना, बिजली का बिल आया है और जाफर तरीन ने भी अभी तक पैसे नहीं भिजवाए। किसको पता था कंटेनर पे खड़ा यू टर्न का आदि भी होगा। हम तो हमेशा समझते थे कोई ईमानदार भाजी ही होगा। हाय जोर करे गुजरा और करे बेवजह तरक्की का ऐवे शोर करे। इंसा कोई झूठा नहीं, कोई तो रोके कोई तो टोके, इस अवाम ने बहुत खाली ये धोखे। डर लगता है अब तब्दीली से जी, सब कुछ अच्छा है जी फिर भी अच्छा है जी, कहते हैं अच्छा है जी। वेलकम बैक। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनुआ की कीमतों में इजाफा मौशी दहशतगर्दी है। खादिम आला साहब, ये तो कोई मौशी दहशतगर्दी नहीं, असल दहशतगर्दी तो बिजली का बिल फैलाता है। और राशन खरीदते वक्त एक आम आदमी पर जो दहशतदारी होती है उसका अंदाजा आप
सियासतदान तो कर ही नहीं सकते। कोरोना की पांचवी लहर कराची के शहरियों के लिए भारी साबित हुई। बीमारी की शरह 40% तक बढ़ गई। कराची में भी तो शहरी SOPs की धज्जियां उड़ाते हुए जगह जगह ऐसे हजूम लगाकर खड़े हो जाते हैं जैसे बीमारी की लहर नहीं, दिल में एक लहर सी उठी हो अभी। फवाद चौधरी ने कहा है कि गैस के मामले में हमसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन इस बहरान की असल जिम्मेदार पुरानी हकूमतें हैं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो ऐसे क्या आपसे जो जो गलतियां हुई हैं उनकी जिम्मेदार भी तो पिछली हकूमतें ही हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि शरीफ फैमिली के चार लोगों के लिए डील का चिकन बर्गर मांगा जा रहा है, लेकिन हम तो उन्हें उबला हुआ आलू भी नहीं देंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अब आप लोगों ने भी तो अवाम को चिकन बिरयानी का ख्वाब देकर ख्याली पलाव खिलाने पर लगा दिया है। अरे आप लोगों से उबले हुए आलू तो क्या, उबले हुए मटर के दाने तक मिलने की उम्मीद नहीं है। आइए देखते हैं एक सेगमेंट। घबराना नहीं है। खदर, अवाम को कर्जा तो बैंक अफसर भी दे देगा, ये हम यहाँ बैठे क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं? और रॉकेट ट्रेन साहब, अब हमारे पास वक्त जाया करने के अलावा बचा ही क्या है? आप ठीक कह रहे हो खान साहब, इतना ज्यादा वक्त है कि इसको जाया करते करते भी 1.5 साल लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कर्जा चाहिए जी। जी जी मेरे प्यारे अवाम, कर्ज तो जरूर मिलेगा, लेकिन कर्ज के लिए छोटी सी शरायत है। मुझे पता है खान साहब, मैं तमाम मामूली शरायत पर पूरा उतरता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, हम एक कमरे में 6 लोग रहते हैं। कई साल से हम में से किसी ने भी नए कपड़े नहीं बनवाए। दिन में एक मर्तबा खाना खाते हैं। हमारे घर गैस भी नहीं आती। और ये देखिए जी, ये बिजली का बिल, एक बल्ब जलाने का मुझे 5,000 रुपया बिल आया है। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम गरीबों को कर्जा नहीं देते। देखें, कर्ज हासिल करने के लिए आपका खुशहाल होना जरूरी है, वरना कर्ज का पैसा आटा चीनी घी खरीदने में खर्च हो जाएगा। इसका मतलब आप सिर्फ उन लोगों को कर्जा देते हैं जिनको कर्जे की जरूरत नहीं। अरे नहीं, हमारा कुछ छोटा छोटा सा शरायत है। जी मसलन? मसलन ये कि तुमने ये गरीबों वाले कपड़े क्यों पहने हुए? हमें डर है कि तुम कर्ज के पैसों से मकान बनाने के बजाय कपड़े खरीद लोगे। ओ जी, मैं अभी मांग कर कपड़े पहन लेता हूँ। तुम्हारा तो सेहत ही बहुत कमजोर लगता है। कर्जा वापस करने से पहले तुम लुढ़क गए तो फिर? और राकर त्रिन साहब, वो तो मैंने कमीज का कपड़ा बचाने के लिए अपने आप को पतला किया था। ठीक है, रंग थोड़ा काला है। एक मिनट खान साहब। ये लीजिए खान साहब, हो गया गोरा, आप दीजिए कर्ज। और इतनी आसानी से तो IMF वाले भी कर्ज नहीं देती है, वो भी नाक से लकीरें खिंचवाती है तब कहीं जाके डॉलर मिलता है। ये क्या मुश्किल है। ये ले खान साहब, मैंने निकाल दी लकीरें, अब निकालें कर्ज। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें किसी अमीर आदमी की गारंटी भी चाहिए। तुम कहीं भाग जाओ तो कर्ज कौन देगा? ओ खान साहब, हमारा तो वजीर आजम भी गरीब है, मैं अमीर आदमी की गारंटी कहाँ से लाऊं? गारंटी तो लाजमी चाहिए, सोचो कोई तो अमीर तुम्हारा वाकिफ होगा। हाँ याद आया, मैं अभी लाता हूँ। ये लीजिए। ये क्या है? ये तो किसी सियासी जमात की अमीर की गारंटी है। जी जी, मेरे ससुर ने ना एक नई सियासी जमात बनाई है और वो खुद इसका अमीर है। तुम चलो फिर जाकर बीवी से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाओ।
किसकी बीवी से? ओहो, अपनी बीवी से, और किससे? खान साहब देखिए, भी कल ही मेरी बीवी ने ना मेरे यहाँ पे ना फ्राई पैन मारा है, इससे बुरा करप्टर सर्टिफिकेट क्या होगा। बस आखिरी शर्त रह गया एक छोटा सा, मकान का कर्ज के लिए तुम्हारा सैलरी जो है वो कम से कम 50,000 रुपया होना चाहिए। अपना सैलरी सर्टिफिकेट दिखाओ। 50,000 सैलरी? इतनी सैलरी भी कहीं से मिलती है? जी बिल्कुल मिलती है, मकान के लिए कर्ज उसे ही मिलेगा जिसकी सैलरी 50,000 होगी। तो फिर मैं इनकार ही समझू। अब नहीं आएगा वापस, IMF से कर्जा लेते लेते मेरे 4 नए बूट घिस गए। कर्जा लेना कोई आसान काम है खान साहब? ये लीजिए खान साहब 50,000 की सैलरी का सर्टिफिकेट, मैंने 50,000 रुपये वाली नौकरी ढूंढ ली है। ये लो अपना कर्जा का स्लिप ले लो और रखे अपने पास, वो एक मर्तबा कर्ज लेकर और मरते दम तक वो किससे ही भरता रहूंगा। और तुम लोगों ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी, मुझे 50,000 रुपये वाली नौकरी मिल गई, अब खुद मैं पैसा पैसा जोड़कर अपना मकान बनाऊंगा। बात करते हैं मेरी प्यारी आवाम, जरा रुकना। अब क्या है खान साहब? वो जरा 10,000 रुपये कर्जा तो देना, बिजली का बिल आया है और जाफर तरीन ने भी अभी तक पैसे नहीं भिजवाए। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। फवाद चौधरी ने कहा है कि 4 बड़े लीगियों ने नवाज शरीफ को क्यादत से हटाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। हमें लगता है कि ये फवाद चौधरी साहब की ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं। मियां साहब तो वैसे भी नून लीग से इस तरह जुड़े हैं जैसे कपड़ों से च्युइंगम चिपक जाती है, खुरचने के बाद भी उतरते ही नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम ने ओमिक्रॉन से ज्यादा कप्तान वारिस को इस मुल्क के लिए खतरनाक करार दे दिया, इसीलिए तो मौलाना बार बार इस अवाम को PDM की वैक्सीनेशन कराने का मशवरा देते हैं, जबकि मरियम नवाज वीडियो रिलीज वैक्सीन पर भरोसा रखती हैं। उस्मान बुजार साहब ने कहा है कि कौम ऑपोजिशन के गैर जिम्मेदाराना रवैये को कभी भी माफ नहीं करेगी, यानी मरी में अवाम का जो नुकसान हुआ वो ऑपोजिशन के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से था। ऐसे तो मैंने कहा है मैं वजीर आजम साहब का मुतबादिल नहीं हूँ, खान साहब अपनी मुद्दत पूरी करेंगे उसके बाद अवाम अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे, क्योंकि महंगाई को समेटते समेटते उन्हें 5 साल तो लग ही जाएंगे। आइए देखते हैं एक सेगमेंट।
रुको, हंसो मत। क्यों? वो अगर हुकूमत ने हमें हंसता हुआ देख लिया ना तो हमारे खुश होने पर भी टैक्स लगा देंगे। अरे ओ बेगम, रोने वाली शक्ल बनो, रोने वाली, ऐसे नहीं ऐसे। आजो आजो। हमारे आज के शो का वक्त खत्म हुआ। अच्छा लगा या बुरा, आप हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। सोशल मीडिया पे भी आप हमें सर्च कर सकती हैं, सर्च बार में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। जोया मलिक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।